Canada. Salamat po rin. Sing kay kasi o. Bariya ba? छोटू कहाँ गया? छुप गया, हीरो बन गया, छुप पे गया वो। यार यहाँ पे ना, यहाँ पे। तुम्हीं का जी? हाँ जी, अभी तो चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। नहीं मैं अभी कोविड से बाहर निकली हूँ तो मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं है। थोड़ा भाई इधर बोलता भी फेरेगा ना भाई। डन काफी दिनों बाद आप दोनों एक साथ देखने को मिले तो क्या प्लान है? जिम का प्लान है आफ्टर सो मेनी मंथ्स। यस, मैं शूट पे था दिल्ली एंड मैं वापस आया था वैलेंटाइन से एक दिन पहले। मेरे यहाँ पर भी हमारे शूट रखे हुए थे मैंने। सो अभी बस फ्री हो गया आज। मैंने बोला कि आज से जिम स्टार्ट करो क्योंकि मैं कर रहा हूँ ये कोविड की वजह से। एक्चुअली आफ्टर कोविड नो हमने बैक टू बैक जो शूट किए हैं उसमें इतना टायर्डनेस हो जाती थी। आई वाज लाइक नहीं मैं नहीं जा रही हूँ जिम। फाइनली यस फाइनली प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वी आर बिजी शूटिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल कम टू नो वन बाय वन। हाल ही में आप मुंबई आए, आप दिल्ली गए, दिल्ली में शूट क्या कुछ हुआ? दिल्ली में बहुत ही अमेजिंग शूट था यार। आपने मेरी स्टोरीज देखी होंगी। वो सॉन्ग्स ज़रा काफिला मतलब फ्रेंडशिप के और कारों के ऊपर जो मैं शूट करके आया हूँ। सो आज हम वही बात कर रहे हैं जैसे छोटू की मैंने कल वो देखी थी। छोटू जितने लोगों के साथ जा रहा है मैंने कहा एक्चुअली गाना हीरो तो वो होना चाहिए है ना। अभी एक जो मैंने छोटू सा भी गाना करना है उसको हमने सबसे पहले बोला था जब खैरन साइन ने उसको मलक गाना नहीं किया था कितने सा गाना करेंगे। पर उसने फिर लकीली हम न्यूज़ दी थी कि भाई मैं एक और गाना कर रहा हूँ। अरे वो मैं कहा वो मेरे भाई हैं, सखी मेरा भाई है, पहले वो कर क्योंकि जब हमारा का मेरा परमिशन गाना आएगा उसमें तो तू है ही है। सो अभी बस वो शूट जा रहे हैं। शायद अभी वो चंडीगढ़ जाएगा अफसाना के वहाँ पर तो वहीं से हम शूट पर निकल जाएंगे। आप लोगों का गाना काफ़ी फिर से आपको कब देखने? अभी बस अभी यार मैंने एक्चुअली वैलेंटाइन पर निकालना था पर मैं दूसरे शूट में बिजी था तो और बहुत सारे मेरे दोस्तों के वैलेंटाइन पर गाने आ रहे थे तो मैंने उसको रोक दिया क्योंकि फिर उनके गाने को प्रमोट करूंगा या अपने गाने को करूंगा तो ये रीज़न आ गया। अभी 24-25 को के करीब मैं एक और गाना निकाल दूंगा। हाल ही में वैलेंटाइन डे था तो क्या कुछ हुआ? सर ने क्या कुछ सरप्राइज दिया? मैं बहुत प्यारा सरप्राइज दिया है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। फैमिली के साथ हमने बहुत अच्छे से डिनर किया और पूरा प्रिंस ने डेकोरेट करके रखा था रूम। बहुत बहुत प्यारे तरीके से एफर्ट लगाए। बहुत अच्छा लगा। इट वॉज वेरी स्वीट जेस्चर। और आपके बेस्ट फ्रेंड करण की मैं बात करूँ तो पहला वैलेंटाइन डे था तेजस्वी मैम के साथ तो क्या कुछ टिप्स लिया उन्होंने आपसे? नहीं नहीं टिप्स तो नहीं, अभी वो खुद भी चल रहा है, टिप्स तो बाद में लेगा आके। अभी तो नया नया रिलेशनशिप जब होता है ना चीज़ होती है कि आप किसी को टिप्स नहीं दे सकते हैं, ये नेचुरल चले तो ज़्यादा बेटर। और जब नया नया होता है स्टार्ट होता है तो वो एक्साइटमेंट बहुत होती है मिलने की करने की तो उसमें थोड़े से हम दोस्त हैं हम समझते हैं हम थोड़ा पीछे रह लेते हैं। दैट फर्स्ट फेज ऑफ लव नो इनिशियली आप पूरा पूरा दिन बात करते हैं। बॉलीवुड में बहुत बड़ा बहुत घटना हुई है, बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी जी की मैं बात करूँ लता मंगेशकर से हमको आज दो बड़े लेजेंड गए हैं। एक हमारे पंजाब से दीप सिद्धू जिनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई जो फार्मर प्रोफेशनल से आगे थे। कैसे हैं आप? हाँ जी। और एक बप्पी जी का हुआ है वो तो लेजेंड है यार, उनके बिना तो कोई गाना मतलब जितने हम पुराने गानों में आज भी डांस करते हैं। शॉकिंग एक्चुअली उनकी इतनी एज नहीं थी जितना जल्दी उन्होंने 69 ना 69 69 इज नॉट अ 69 इज नॉट अ एज टू डाई। ओह या सो भगवान की आत्मा को शांति दे। वेरी स्ट्रेंज आप सुबह उठते हो एंड एक न्यूज़ हर दूसरे दिन मिलती है। यू नो एक्चुअली लॉकडाउन से पिछले ऑलमोस्ट पहला प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तब से लेके आप लाइफ में इतना चेंज आ चुका है कि अभी सबको डर लगता है कि पता नहीं उनकी लाइफ कितनी है। यू आर रियली स्कैरी पार्ट है हमारी लाइफ का कि हमें खुद को लगता है हम इतना शूट कर रहे हैं हम इसके बिना रह भी नहीं सकते पर कब कोविड कैच करे कब कौन सा डिजीज कैच करे हमें नहीं पता और कब हमारा आखिरी दिन हो ये भी नहीं पता। सो लाइफ इज टू शॉर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप
निकाला हाँ निकाला तुम निकाला हो गया भाई।